वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। करवा चौथ का त्यौहार सभी सुहागनों के लिए काफी खास होता है, तो ऐसे में हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी कभी कोई त्यौहार सेलिब्रेट करने में पीछे नहीं रहती। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी ये त्यौहार काफी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें कुछ सेलेब्स ऐसे भी हैं जिनका ये पहला करवा चौथ होगा। जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, जिनकी शादी निक जोनस से 1 दिसंबर 2018 में हुई थी। दोनों ने हिंदी रिचुअल्स और कैथोलिक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग शादी की थी, और शादी के लंबे वक्त बाद प्रियंका बॉलीवुड में हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द स्काई इज पिंक के साथ नजर आई है। तो वहीं 14 नवंबर 2018 को दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह को अपने जीवन साथी के रूप में चुना और शादी के बंधन में बंध गईं। शादी में केवल परिवार वाले ही थे, इसलिए दीपिका और रणवीर का रिसेप्शन काफी ग्रैंड था। बात करें इनके वर्क फ्रंट की, तो दोनों जल्द ही फिल्म 83 के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। तो वहीं दीपिका की फिल्म छपाक भी 2020 में जल्द ही रिलीज होगी। बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री नुसरत जहां ने 19 जून को निखिल जैन से शादी की। आपको बता दें कि उनकी शादी काफी सुर्खियों में रही है, क्योंकि वो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए मांग में सिंदूर लगाने को लेकर उनको काफी विवादों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं पूजा बत्रा की शादी की खबर तब मिली जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की फोटो शेयर की। 4 जुलाई 2019 को पूजा बत्रा ने नवाब शाह से शादी की। प्लेबैक सिंगर नीति मोहन और एक्टर निहार पांड्या 15 फरवरी 2019 को शादी के बंधन में बंधे थे। निहार पांड्या मणिकर्णिका में भी नजर आ चुके हैं। शादी में नीति की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके चलते उन्हें आईसीयू में भी भर्ती करवाना पड़ गया था। बॉलीलीक्स के लिए वन्ना सिंहवाल की रिपोर्ट।